टू वेलकम टू PakDeal.com.pk। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है टोयोटा विट्स। टोयोटा विट्स पाकिस्तान में जब इंपोर्ट की गई 1999 से 2005 तक इसकी एक पहली सेगमेंट केस आया था जिसके अंदर एक ही शेप आई थी। देन 2003 से 2005 तक इसका एक फेसलिफ्ट आया था, वो इसकी फर्स्ट जनरेशन कहती थी। अब जो हम जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं टोयोटा विट्स की थर्ड जनरेशन का फेसलिफ्ट है। याद रखें टोयोटा विट्स के अंदर तीन किस्म के इंजन पाए जाते हैं जो कि 1000, 1300 एंड 1500। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो होते हैं वो 1000 है, 1000 आते थी, 1300 और 1500 तो कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। इससे काफी सारे वेरिएंट है जिसके अंदर जूला भी आता है, F10 भी आता है और इसके अलावा भी हाइब्रिड के अंदर भी अब आ गए। तो ये जो है ये बेसिक वेरियंट है जो F10 कहते हैं। अगर हम इसकी एक्सटीरियर बॉडी लुक की वाइज कहें तो सेडान हैचबैक के अंदर ये एक बहुत अच्छी स्पोर्ट शेप जिसे भी कह सकते हैं, मगर मार्केट के अंदर ये स्पाइडर शेप के नाम से भी जानी जाती है। और इसके अंदर जो दो किस्म की टोयोटा विट्स कहलाती हैं जापान के अंदर, एक टोयोटा विट्स है जो कि हैचबैक में आती है, जो इसकी सेडान टाइप है वो प्लाट्स है। और अगर हम इसकी अगर फ्रंट व्यू की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट व्यू में आपको सिंपल LEDs मिलती, हेडलाइट्स जो है हेडलैम्प्स हैं और इसके अंदर यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे इसका SMD पार्किंग बल्ब है। इसके अंदर कोई आपको बेसिक जो है फॉग लैंप्स नहीं मिलते, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करने पड़ते हैं, मगर उसके लिए आपको ये मैट ग्रिल चेंज करनी पड़ती है। इसके अंदर कोई स्पेस ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर हम इसकी मोनोग्राम की बात करें, अक्सर लोग कहते हैं ये टोयोटा की कंपनी की गाड़ी नहीं है, इसकी डिग्गी पे टोयोटा का मोनोग्राम है, फ्रंट पे नहीं। तो याद रखें ये जो लोगो है ये टोयोटा विट्स का अपना खुद का लोगो है, मीन विट्स का मीन जो कि जापान की अगर हम बात करें तो यारिस या प्लाट जो भी आप कहना चाहें दोनों का सेम लोगो होता है। इसके बाद अगर हम इसकी जो साइड मड गार्ड्स की अगर बात करें, यहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलता जैसे कि आपको वैगनर या दो बाकी और गाड़ियों का मिलता है। इसके जो इंडिकेटर साइड टर्निंग इंडिकेटर्स हैं वो इसके साइड मिरर के अंदर दिए गए हैं। साइड मिरर और बॉडी कलर मैचिंग इसकी जो वेट्स की है ये अपनी एक पहचान है, मीन यहाँ पे ये जैसे होता है कि आप VX लेते हैं उसकी बॉडी कलर मैचिंग नहीं है, इस तरह इसमें कोई कैटेगरी नहीं आती, जो आप लेंगे उसके अंदर आपको सारी बॉडी मैचिंग मिल जाएगी। अगर हम इसकी टायर्स की बात करें क्योंकि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है, जबकि जो इसके साथ जो विट्स के साथ जिसके अपने जेन्युइन आए थे वो 165/70R12 मीन 165 जो है इसकी हाइट थी और 70 जो थी वो इसकी वेट थी और R14 मीन इसके जो अलॉय साइज है वो 14 इंच और आया है। तो ये आफ्टर मार्केट है 185 के आयोप लगे हुए रेस्ट्रॉन के हैं। ये जो इसकी अगर लुक की अगर आप बात करें हैचबैक के अंदर, जो इसकी जो ओवरऑल था जो इसकी लेंथ गाड़ी की है वो दूर से आपको हैचबैक नहीं लगती, मगर क्योंकि एक हैचबैक कैटेगरी का 1000cc इंजन के साथ आती है तो इसकी ओवरऑल लेंथ बाकी तमाम हैचबैक जो 1000cc इसी लीग के अंदर आती है उससे इसकी ज्यादा अच्छी लेंथ है। अगर हम इसकी बैक लैंप्स की बात करें तो बैक लैंप्स में जो इसका जो थर्ड जनरेशन में जो आई थी गाड़ी जो इसे पिछला वेरिएंट था, मीन ये थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट है जो बगैर फेसलिफ्ट के था, उसकी ये स्पोर्टी शेप वगैरह जिगजैग नहीं था, उसका एक सिंपल ही बैक लैंप लगाया हुआ था। तो फेसलिफ्ट ना आपको जैसे कि पहले ही पता है कि आपकी लाइट्स चेंज कर देते हैं, बम्पर चेंज कर देते हैं, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल जो है इसकी ब्रेकिंग लाइट है, ये इसका जो है रिवर्स लाइट है और ये आपका इंडिकेटर पॉइंट है। और आपको एक चीज याद रखें जो कि जो भी अब जापानीज गाड़ी तकरीबन क्या होता है कि उसमें रियर वाइपर जो है वो इंस्टॉल होता है, जबकि पाकिस्तान वेरिएंट्स के अंदर कोई भी रियर वाइपर नहीं आता। तो ये क्योंकि इम्पोर्टेड है इसका रियर वाइपर है, साथ इसका ये माउंट है और ये इसकी जो है एक अपर स्पॉइलर स्पोर्टी शेप देता है जो कि सिर्फ आपको अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो सुजुकी कल्टस के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर आया था स्पॉइलर के साथ। अभी हम इसकी बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस का याद रखें कि मोस्टली क्या होता है इसकी चाबी नहीं है, आपकी डिग्गी में चाबी नहीं इंस्टॉल इंजर्ट करके ओपन कर सकते, जस्ट आप लॉक ओपन करें और यहाँ पे इसके एक छोटा सा स्पेशल बटन टच बटन है जो कि आप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक इसका बूट ओपन हो जाता है। बूट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक जो लास्ट हमने रिव्यू किया वैगनर का उससे इसका बूट काफी वाइड है, एक अच्छी बूट स्पेस है जिसकी लीटर वर्जन है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके अंदर आपका एक मिनी फैमिली का दो सिंपल बैग्स और एक्स्ट्रा हैंड कैरीज इजीली आ सकते हैं। और इसके याद रखें इसके बूट के अंदर क्या है कि इसके बूट के नीचे आपको एक कैबिन शेप दी जाती है जिसके अंदर इसकी स्टेपनी है, इसका जैक रॉड है और पाना है, जबकि जो विट्स के अंदर एक जो चीज है वो आज तक किसी वीडियो के अंदर मेंशन नहीं की गई कि इसका जैक कहाँ होता है। तो जो न्यू विट्स यूजर है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसका जैक है वो फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे एक कंसोल के अंदर इसके अंदर फिटिंग की गई है, आपको लूज करके वहीं से निकलेगा। तो व्यूअर्स अगर हम इसकी अगर इंटीरियर की अगर हम आपसे डिस्कस करें तो इंटीरियर जो है आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल, इसकी जो सीट कुशनिंग है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इस 1000cc की लीग के अंदर आपको कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि इतनी ज्यादा परफेक्ट कुशनिंग और सॉफ्ट कुशनिंग आपको दे। अगर हम इसकी गियर्स की बात करें, इसके अंदर जो गियर है वो CVT का गियर है, पहले जो आता था
उसके अंदर फोर गियर ट्रांसमिशन होती थी। उसके बाद 2005 के बाद जो थ्री सिलेंडर के बाद जब फोर सिलेंडर के बाद जो थ्री सिलेंडर गाड़ी आई उसके बाद इन्होंने सीवीटी गियर डाल दिया। तो सीवीटी गियर का क्या मकसद होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि इसके कहीं हमें मिल ही नहीं रहा कितने गियर है, फोर है फाइव है। सीवीटी गियर के अंदर यह होता है कि जो कि रिवो और ग्रैंडी है या एक्सएल आई जी एल आई है ऑटोमेटिक जो सीवीटी गियर है वही इसके अंदर यूज किया गया है। इसका आपको अगर एकदम अगर इसको आप टॉर्क प्रेस करें अगर इसको एक्सीलरेट करें तो एकदम ये आपको स्पीड अप नहीं करती, ऐसा ऐसा अपनी मोशन लेती है, अपना कट कंट्रोल करती है। तो ऐसे लगता है आपको जैसे पिक नहीं है हमारी गाड़ी या कोई जो इसके प्लग्स हैं वो डाउन हो गए हैं या कैट में मिट्टी है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ सीवीटी गियर से इसका फायदा। अगर हम इसकी जो फ्रंट इनसाइड द लुक की बात करें, आपको 1000 cc आप कभी भी नहीं ये सोच सकते कि मैं 1000 cc हैचबैक टोयोटा विट्ज या किसी छोटी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। आपको जो इसकी इंटीरियर लुक है वो बहुत ही एक लग्जरियस सी फील होती है। मीन इसके अंदर जो सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें, आपको दो एसी के वेंट्स आपको फ्रंट पे देते हैं, सेंटर में दिए जाते हैं। नीचे 7 इंच का इसका टीएफटी का स्क्रीन है। इसके अंदर जो है वो टोटल वही जेन्युइन है जो कि जापान इम्पोर्ट गाड़ी के अंदर आता है। अक्सर लोगों ने यहाँ पे आफ्टर मार्केट लगाया होता है मगर इसके अंदर ये एसडी कार्ड सपोर्टेड है और साथ ही जो है आपके साथ ऑफ केबल सपोर्ट में आ जाती है। इसकी ये हैजर्ड इंडिकेटर साइन है। उसके बाद इसी के अंदर सेंटर में अगर हम बात करें तो इसके जो एसी वेंट्स है जो कि आप टोयोटा जीएलआई या टोयोटा एक्सएलआई ग्रैंडी के अंदर जो 2008 मॉडल न्यू शेप के साथ चलते आ रहे हैं वही सेम स्पेक्स आपको वही फील आती है। ये इसका गियर बॉक्स है जो कि सीवीटी कंट्रोल गियर बॉक्स है। ये पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव ड्राइव स्लो के अंदर क्या होता है कि पहले दो गियर ही लेता है। सबसे बात जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ करना चाहता हूँ, ये अगर ये गियर है बी से क्या होता है ब्रेकिंग। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जब स्पीड में जा रहे हैं ब्रेक करनी है तो इसको फौरन आप ब्रेक पे लगाते हैं तो फोर व्हील जितनी भी इसकी ब्रेकिंग है वो ऑटोमेटिक इसको ब्रेकिंग करने लग जाते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक इसका ब्रेक फंक्शन है, याद रखें इसको ज्यादा यूज ना किया करें। ये ज्यादातर जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें कलर के हाथ से आप जब उतर रहे होते हैं तो वो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हो जाती है, बेशक आप एक्सीलेटर नहीं कर रहे होते। तो जैसे आप ब्रेकिंग पे करेंगे आप नॉर्मल एक्सीलेटर भी रखेंगे तो गाड़ी आपकी वो स्पीड ऑटोमेटिक अगर 40 पे जा रही है वो ऑटोमेटिक उसको 20-25 पे ले आती है, तो स्लो है। सेंटर में आपको जो है इसकी हैंड ब्रेक दी जाती है, साथ ही ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल बटन अगर आपकी ऑफ रोडिंग या किसी ऐसी वे में जा रहे हैं गाड़ी जहां आपको अंडर पावर महसूस हो रही हो या आपकी गाड़ी महसूस हो रही है कि आप स्लिप आउट करिए तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ये आफ्टर मार्केट इसका कंसोल है क्योंकि 1000 cc लीक बिड्स के अंदर कोई आपको सेंटर कंसोलिंग नहीं आती, सेंटर कुशिंग नहीं आती। मोस्टली ऑटो गियर ड्राइवर्स का पैशन या जो वे ऑफ स्टाइल ड्राइविंग है वो यही है, जस्ट लगाया और एक हाथ ऐसे रेस्ट पे देके बैठे थे क्योंकि इसके अंदर ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया जाता है। अगर हम यहाँ पे इसकी मीटर स्टडी की बात करें तो मीटर स्टडी के अंदर जो इसके यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, ये इंजन लाइट है, इसके बाद आपको इंजन ऑयल है, बैटरी है, एयरबैग्स हैं, स्टेयरिंग का है और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का इसका बटन दिया गया है। इसके अंदर सिंपल स्पीडोमीटर है, ये इसकी मीटर की डिटेल है, गियर है, टाइम है और यहाँ पे जो ये है ये पेट्रोल इसकी पेट्रोल गेज है। जबकि 1000 cc के अंदर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर नहीं मिलता। अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ जो कि मीटर के अंदर ये ट्रिप बटन दिया गया, ये किलोमीटर पर लीटर मीन क्या था कि आपका ड्राइविंग पोस्चर किस स्टाइल का, आप किस स्पीड से चला रहे हैं, ऑटोमेटिक ये इसकी कैलकुलेशन बताता रहता है। अक्सर लोग इसी को एवरेज समझ के चलाते हैं मगर ठीक है, एक लिहाज से ठीक है, अगर आपको इसी ड्राइविंग स्टाइल पर जाते हैं आपके ऑटोमेटिक इंजन की एवरेज इसी कैलकुलेशन के ऊपर आ जाती है। ये इसकी एवरेज बता रहा है, इस वक्त 14.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रहा है। एवरेज की बात हम बाद में करते हैं। रेंज इस पर जितना इस गाड़ी में टैंकी में पेट्रोल है वो बता रहा है, 107 किलोमीटर कर सकती है इसी पेट्रोल में। एवरेज इसकी जीरो है, ये एवरेज वही किलोमीटर पर आवर की है। ऑडीडी मीन इसका टोटल अभी तक 70,000 गाड़ी चली हुई है, उसके बाद ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, रीसेट हो सकते हैं। इस तरह ही अगर हम इसके साइड कंसोल की बात करें, आपको यहाँ पे मिरर कंट्रोल की ऑप्शन देती है, अंदर ही बैठ के आप इससे गाड़ी के मिरर कंट्रोल कर सकते हैं साइड मिरर, उसी के बाद इसके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑटोमेटिक इसके मिरर, आपको हाथ से नहीं करने पड़ते। ये हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट है, अगर आप बम्पी रोड पे हैं या सुनसान एरिया आपको सड़क के ऊपर लाजमी देखना है तो ये इसकी यहाँ पे जो हेडलाइट्स है उसकी पावर और उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है। इस तरह इसके साइड कंसोल दरवाजा है, उसके अंदर आपको फोर डोर्स ऑटो मिलते हैं, इसमें कोई मैनुअल नहीं है। इसका मिरर कंट्रोलिंग है, मीन चाइल्ड लॉक भी जिसे कहते हैं। ये जो इसके बटन्स हैं ये इसके मीन आप इसे सेंट्रल लॉकिंग कह सकते हैं, यहीं से आप इसको ऑन कर लें और यहीं से आप इसे लॉक कर सकते हैं। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ हमने ऑनर रिव्यू सेशन शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ टोयोटा विट्स 2000
इसके जो फेसलिफ्ट है थर्ड जनरेशन का, उसके ऑनर है अहमद साहब। आज हम इनसे इनका रिव्यू देखते हैं, क्योंकि जो हमने पहले रिव्यू किया था वो मेरी अपनी सारी जजमेंट थी, मेरा अपना एक्सपीरियंस था, और इनका क्या रिव्यू है और क्या कहते हैं इसके वर्ड्स के मुतालिक, आए हम इनसे डिस्कस करते हैं। जी अहमद साहब, आपको कैसा फील होता है मीन आप वर्ड्स, जैसे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक वर्ड्स यूजर रह चुके हैं, वो भी पाक डील के थ्रू ही आपने सेल की थी, तो अब आप कैसा इसको फील करते हैं? और असल में कम्फर्ट के लिहाज से ये गाड़ी प्रेफर करते हैं हम, इस वजह से इसे परचेज किया था तो। और दूसरा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी कंफर्टेबल होने के बावजूद फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल 1000 cc के बराबर ही देती है। सही। और आप क्या कहते हैं कि ये आपकी परचेज इनवाइस या क्या आपको आइडिया है कितने की मिली? अराउंड 10 lakh की, 10 lakh की इसकी परचेज थी, ठीक है, जो इनवाइस थी, ठीक है, 5,20,000 इसका कस्टम ड्यूटी थी, ठीक है, और 37,500 इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी लाहौर नंबर की। सही। मीन की आपको नियर अबाउट 16+ में आपको घर मिली? 16 तक आपको घर मिली। तो जब आप ये ले रहे थे तब आपके जहन में कोई और सवाल था कि 16 lakh तक के इसी बजट में कोई और लीग प्रेफरेंस आपकी? 16 lakh में पाकिस्तानी कार्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो जैसे कि मैंने बताया इसकी कंफर्ट और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और सबसे बड़ी बात के 1000 cc में ये मतलब लाइफ टाइम टोकन पे हो जाता है, तो उस हिसाब से इसलिए इसे प्रेफर किया था। ठीक है। तो अब तक आपको कोई इसमें कोई ऐसी चीज फील हुई? अक्सर लोगों का कहना है कि जो जैपनीज कार है आप ले लें तो साल बाद 6 महीने बाद काम बहुत निकालती है। नहीं, आपको कितना अच्छा हो गया इसको यूज? इसे 2 साल होने वाले हैं। ठीक है। ये फेब में आई थी, ठीक है, 2017 में, ठीक है, तो अब इसे 2 साल होने वाले हैं, तो अभी तक तो कोई काम नहीं है, बस टाइम पे ऑयल चेंज, ठीक है, हो जाता है और ब्रेक सर्विस करवाने पड़ते हैं। और क्या आपको कॉस्ट आती है ऑयल चेंज की? नियर अबाउट 2500 विदाउट एयर फिल्टर। एयर फिल्टर डलवा लें तो वो 3500 मीन के 1000 से लेकर 1400-1500 तक का इसका एयर फिल्टर आपको फेस करना पड़ता है। 3500-3800 इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है जो एवरी। और कितने किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करते हैं? 4000-5000 के बीच। मीन के 5000 इसकी जो है वो लीक है, जो कि 1000 cc को आजकल सुजुकी भी लीक कर रही है। ठीक है। और आपकी एवरेज मीन आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो आपको कितनी एवरेज दे रही है पेट्रोल की इन सिटी और इन लॉन्ग? इन सिटी ये देती है, सबसे बड़ी बात तो एवरेज जो डिपेंड करती है वो आपके पाओं के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, जो इन सिटी एवरेज दे रही है वो दे रही है 12-14, ठीक है, और लॉन्ग पे ये दे रही है 14-18, और मतलब एक जो नॉर्मल स्पीड है 80 की उस पे अगर आप रख के चलाते हैं तो ये आपको देती है 20-22 पे। ठीक है। मीन मैंने काफी लोगों से इसके मुताबिक पूछा तो वो तो इसकी एवरेज भी अच्छी नहीं बता रहे, मीन वो क्लेम करते हैं इन सिटी 10 है और इन लॉन्ग 12 आपको मिलती है। बीच में इसका भी आया था, उसका सबसे बड़ी बात एयर फिल्टर के ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्लग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। अगर आप प्लग टाइम पे साफ करवा लें या जब चेंज होने वाले हो चेंज करवा लें तो वो बिल्कुल सही एवरेज रहती है उसकी। सही। और इसके जो आपको मीन लॉन्ग पे आपको कोई जैसे सस्पेंशन की कैसी फील है जब ली थी तब और अब 2 साल के बाद? सस्पेंशन इसकी बहुत जबरदस्त है, जिस तरह ली थी अभी तक भी उसी तरह है। पाकिस्तान की सड़कों का आपको अंदाजा हो गया किस तरह की है। बस ये था जो इसमें जेन्युइन टायर आते थे वो थोड़े छोटे थे, तो यहाँ के जो स्पीड ब्रेकर है उनके ऊपर ये लगती थी। हाँ, जेन्युइन 165/70R14 का आता है, तो इन्होंने 185/70R14 के बाद वो मसला भी खत्म हो गया। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज जो आप मिस करते हो इस वेट्स में जो आप चाहते हैं काश वो होती इसके अंदर? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं मिस करता इसका, इसमें तो नहीं है खैर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, लेकिन इसका जो अपर वेरिएंट है उसके अंदर आता है। जी जी। उसके अलावा पुश स्टार्ट क्या उसका 50,000 को लेते हैं और पुश स्टार्ट लग जाता है। सही। और इसमें आपको इमोबिलाइजर है? इमोबिलाइजर की है। कीलेस एंट्री है? कीलेस एंट्री नहीं है। स्मार्ट एंट्री? स्मार्ट एंट्री है। स्मार्ट एंट्री वो होती है जो कि साइड पे बटन लगा होता है? नहीं, स्मार्ट एंट्री वो नहीं है, कीलेस एंट्री है। मीन के इन्होंने आफ्टर मार्केट जो इसका रिमोट सिस्टम था वो लगवाया हुआ है। और आप इसको लॉन्ग पे कितनी टॉप स्पीड तक लेते हैं? इसकी टॉप स्पीड है 160-165, इससे ऊपर नहीं जाती। आपके पास माशाल्लाह वैगनर भी है, तो वो भी 1000 cc और ये भी 1000 cc है, दोनों की एवरेज और पिक और इंजन की आपको कंपेरिजन? एवरेज वाइज
तो सिटी में वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो मतलब लाइट वेट कार है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी नहीं है रोड की। इसकी स्टेबिलिटी है बस 1 से 2 लीटर का फर्क पड़ता है, 1 से 2 किलोमीटर का फर्क पड़ता है एवरेज पे। ठीक है। लेकिन ये कार लुक देती है वो जरा टॉल बॉय लुक देती है। हाँ, वो प्रैक्टिकल है ना, भी प्रैक्टिकल। और इंजन की बात है उसमें मैनुअल आता है तो इस वजह से उसकी पिक ज्यादा है। इसमें सीवीटी इंजन है, इसमें आप जितना मर्जी पेडल दे दें इसने अपनी मर्जी से। हाँ, सीवीटी गियर बॉक्स है। ठीक हो गया। तो आपके पास जो पुरानी थी वो भी 3 सिलेंडर थी, ये भी 3 सिलेंडर वो, राइट? ये फेसलिफ्ट है, वो फेसलिफ्ट नहीं था, वो सिंपल। तो आप दोनों में क्या चीज कंपेयर करते हैं, वो बेस्ट थी या ये फेसलिफ्ट में कोई चेंजिंग महसूस हुई है? इसमें उन्होंने इसकी ऊपर क्या कहते हैं ये जो एसी वेंट्स है ये चेंज की है। और बाकी जो है मीटर में फ्यूल गेज उसका जो ये डिजिटल है इसका उसी के अंदर आता था, इसमें इन्होंने साथ दे दिया। ठीक है, बाकी लाइट्स का फर्क है और ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें नहीं था, इसमें है। यानी ये जो है आपको? हाँ जी, सही, बाकी सेम ही है। ओके डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज का टोयोटा विट्ज़ थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको इनमें से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप लोगों के कमेंट्स को हम बड़ी संजीदगी से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं अपनी आने वाली हर वीडियो में उसके ऊपर अपने आप को कवर किया जाए। तब तक आप अपना और अपने गीतों नुमा का ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखें। अगर आपने अभी तक pakdeal.com.pk के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।